हमारा शरीर साइन देता है, सिग्नल देता है जब भी हमारे शरीर में कुछ बड़ा रोग होने वाला होता है, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। आज मैं आपको ऐसे 9 लक्षण बताऊंगी जिससे कि आप ये जान सकेंगे कि आपके शरीर में ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं और आपको कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या आपके शरीर में किस-किस चीज के बदलाव की जरूरत है, आपके शरीर को किस-किस चीज की जरूरत है जिसे आप अपने खाने के जरिए, लाइफस्टाइल के जरिए पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अपनी बॉडी को टेस्ट करना चाहते हैं मेरे साथ ही तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वेलकम टू माय चैनल PISNS। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर वर्मा PISNS। देखिए मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, पहली चीज, जब आप उठते हैं या बैठते हैं तब आप लोगों के जो घुटने हैं उनमें से कट कट की आवाज आती है, या आपके सारे जोड़ों में से, जैसे आपने कोहनी को, हाथ को ऐसे किया तो इस इधर कोहनी में से आवाज आ रही है, तो ये किस वजह से है? ये है कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से। यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब ये कटकट की आवाज हमारी हड्डियों में से आती है। अब ये आप सब जानते हैं कि हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो इस कैल्शियम की कमी को पूरा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और वो भी बिना दवाई। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इस कमी को आप टाइमली पूरा नहीं करेंगे तो आगे चल के ये अर्थराइटिस का रूप ले लेंगे, तो इसलिए इस कमी को टाइम से ही पूरा कर लेना चाहिए। अब इसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? इसकी कमी को हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से इजीली पूरा कर सकते, जैसे कि दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं। और इससे भी बढ़िया चीज मैं आपको बता देती हूँ, इससे भी बढ़िया जो कैल्शियम का सोर्स है वो है चूना। चूना कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? दही में, सब्जी में, पानी में, किसी भी चीज में आप एक चने के दाने के बराबर सुबह किसी भी टाइम उसे खा लें, तो इससे आपके शरीर में कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। अब दूसरी चीज ये है कि जब आप सुबह उठते हैं और कुल्ला करते हैं तो क्या आपके मुंह में से खून निकलते हैं? जब आप ब्रश करते हैं तब स्पिट करते हैं तो खून निकलते हैं, या कुछ खाते हैं तब ब्लड दिखाई देता है? यदि हाँ तो आपका शरीर कह रहा है कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है। अब विटामिन सी को कैसे पूरा किया जाए? विटामिन सी को हम बहुत ही इजीली पूरा कर सकते हैं आंवला के जरिए। देखिए आंवला को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, सुबह के टाइम आंवला खाइए या आंवले का जूस पीजिए। क्यों? क्योंकि 2 चम्मच आंवले के जूस में 20 ऑरेंजेस जितनी पावर होती है और विटामिन सी होता है। तो आप आंवले को किसी भी रूप में खा सकते हैं, आंवले को, कच्चे आंवले को क्रश करके सब्जी में डाल सकते हैं, या फिर आंवले की कैंडी खा सकते हैं, आंवले का अचार खा सकते हैं, किसी भी रूप में आप आंवला खा सकते हैं। इसके अलावा भी आप अमरूद खा सकते हैं, शिमला मिर्च खा सकते हैं, नींबू खा सकते हैं या ऑरेंजेस ले सकते हैं। तो इस तरह से इजीली विटामिन सी की कमी आपके शरीर में पूरी हो जाए। या आप लोग दही का सेवन कर सकते हैं, दही में कैल्शियम के साथ विटामिन सी भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में विटामिन सी बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा। अब तीसरी चीज मैं आपको बताती हूँ कि यदि आप लोगों के नाखून बहुत जल्दी से टूट जाते हैं या थोड़े से बढ़ते ही नाखून बहुत ज्यादा लचीले होते हैं, इस तरह की यदि आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब है आपके शरीर में बायोटिन की कमी है। अब इसको पूरा कैसे करेंगे आप? इसको पूरा करने के लिए आपको सेब का सिरका, सुबह 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका डाल करके और खाली पेट पी लीजिए, यानी कि शौच जाने के बाद, तो आपके शरीर में बायोटीन की कमी पूरी हो जाएगी। और इसी के साथ में
यदि आप दही में शक्कर डालकर, शक्कर कौन सी, जो वो ब्राउन कलर की आती है, जो गुड़ का चूरा होता है, जिसे गुड़ का चूरा भी बोलते हैं, उस शक्कर को, चीनी नहीं, शक्कर का प्रयोग करें। इस तरह से आप अपने शरीर में बायोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। चौथी चीज, यदि आपके नाखूनों पर व्हाइट स्पॉट अगर आ गए हैं, तो इसका मतलब है आपके शरीर में जिंक की कमी है। अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है, जो लोग मैदा या मैदे से बने हुए प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके शरीर में जिंक की कमी हो जाती है। अब इसको पूरा कैसे किया जाए? इसको हम नट्स खाकर पूरा कर सकते हैं। देखिए, अब नट्स का कैसे प्रयोग कर सकते हैं आप लोग? नट्स का देखिए, गर्मियाँ अगर हैं तो रात को कांच के ग्लास में आप नट्स भिगो सकते हैं। नट्स में आप बादाम भिगो सकते हैं, किशमिश भिगो सकते हैं, काजू भिगो सकते हैं, अखरोट भिगो सकते हैं। इस तरह से आप नट्स भिगो सकते हैं और सवेरे उन्हें चबा चबा कर खा सकते हैं। दूसरी चीज, जो बादाम होते हैं उन्हें छीलने की जरूरत नहीं होती है। आपका शरीर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का साइन दे रहा है और अपनी डाइट में सुधार करके आपको कैसे इन्हें इम्प्रूव करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।